यहीं तो कई सारे अनजाने राहों पर चला हूँ मैं, पर कुछ है इस हवा में जो हर किसी को अपनी ओर खींचे। मैं तो चल रहा हूँ देखने के लिए वो शाम। तो दोस्तों मेरे साथ आप भी चलिए, हम मिलकर वो खूबसूरत नज़ारा का लुत्फ़ उठाएंगे। कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग जो हम चिल्का के किनारे बसते हैं। यूं तो इसकी खूबसूरती को देखने के लिए सैलानियों की भीड़ हर साल लगती है। अपने व्यस्त जीवन से थोड़ी सी समय निकाल कर यहाँ पर आना हर किसी को अद्भुत पूर्व अनुभूति देगी। नाव में बैठकर सूर्य अस्त होने तक घूमना हर सैलानियों की डायरी में लिखा होना चाहिए। यही तो चिल्का की सुंदरता है जो हर किसी को चिल्का में आने के लिए मजबूर करती है। चिल्का के आराध्य देवी माँ काली जाई जो चिल्का के अंदर एक टापू पर निवास करते हैं। जब आप चिल्का दर्शन आरंभ करोगे तभी माँ का नाम थोड़ा सा ले लेना, आपकी यात्रा खुशी खुशी सफल हो जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे चीज हैं घूमने के लिए, जैसे कि मैं आपको बताया कालीजाई टेम्पल, राजहंस, सातपड़ा इरुवाड़ी डॉल्फिन सेंटर, सातपड़ा म्यूजियम, बाढ़ सेंचुअरी नलवण, सी माउथ, भसापोल और भी बहुत कुछ है जो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता। और हाँ, ये सब चीज़ को देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पर रात में रुकने के लिए बहुत सारे सुविधा हैं, जैसे कि यात्री निवास, बहुत सारे छोटे बड़े रिसॉर्ट जो चिल्का के अंदर है, आप वहाँ भी रह सकते हैं। और भी बहुत सारे छोटे बड़े होटल्स हैं, आपका रात में रहने की पूरी बंदोबस्त यहाँ पर तो हो जाएगी। अगर मैं चिल्का के बारे में बताऊँ तो ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है और ये झील अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये झील अपने आप में एक वेटलैंड है और इसके अंदर एक पक्षी अभयारण्य भी है। शाम हो रहा होगा, आप खामोश होकर नाव में बैठे होंगे, वो शाम की अद्भुत नज़ारा को आप महसूस कर रहे होंगे। तभी दूर आकाश में वो डूबता हुआ सूरज के सामने घर को लौटते हुए दलदल पक्षियों की आवाज़ आपको एक अलग दुनिया की एहसास दिलाएगी। और हाँ दोस्तों, घूमने के लिए तो आइएगा और ये वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।